पानी ले आऊं, पानी लाना भी जरूरी है खाने वाने के। अरे रामचंद्र कह गए सिया से सकल युग सीताराम। पंडित जी राम राम। राम राम बेटा, खुश रहो। तुम किन की लल्ली हो बेटी? लल्ली? हाँ है लल्ली ना। मतलब किसके घर की बहू हो, मैं ये पूछ रहा हूँ। अरे मैं उनके नेम सिंह के घर की बहू हूँ। अरे उनका बेटा नहीं है, बड़ा वाला अनिल उनकी। तभी मैं कहूँ तुम ऐसे बंठन के घूमते, तुम्हारा आदमी तो गोबर उठाया था डोलता है। बंठन के डोलती हो और क्या? ऐसा है पंडित जी, अपनी हद में रहो। मैं जैसे भी डोलू, जो भी करूं, वो खुद ही कह रहा था, वो खुद ही कह रहा था लड़का कि मेरी बहू कुछ नहीं करती है, घर का काम नहीं करती है, और तुम बंठन के घूमती रहती है पूरे दिन। अच्छा मेरे घर का खाना तुम बना जाते हो? काम करने नहीं जा रही, क्या करने जा रही? उसमें पानी लेने जा रही हूं। मुंह पे मारूंगी इसे। मुंह पे नहीं मारूंगी, दिखा रही हूं खाली है, पानी लेने जा रही। अरे तुम कहीं पानी लेने आ रही, गप्प लड़ाने आ रही होगी किसी? गप्प लड़ाने के लिए तो तुम्हारी घरवाली बैठी है। वो घरवाली मेरी का घरवाली बैठी? मेरी घरवाली तुम्हारी तरह हराम घोर थोड़ी है जो काम ना करे। ऐसा है पंडित जी, अपनी हद में रहो। तुम होंगे हराम घोर, तुम्हारा पूरा खानदान होगा हराम घोर। पता नहीं कैसी और औरत से उसने निकल जाए यहां से, बेचारी की जिंदगी खराब हो गई है। जब ही मैं कहूँ ये बंठन के क्यों घूमती रहती है? ऐसा है हम तो ऐसे ही घूमेंगे, हमारे पति खूब पैसे वाले, हम भी खूब पैसे वाले। पैसे वाले काहे के पैसे वाले हो? गोबर ढो रहा था वो, तो गोबर भी नसीब वालों को मिला है, तुम्हें तो मिलता ही ना है, नहीं तो तुम भी खा जाओ लबालब। नहीं अब शब्द, मुझे नहीं पता था कि इतनी खराब औरत है तू लड़की। अच्छा हम खराब दिखाई दे रहे हैं? एक सिद्ध पुरुष का, एक ब्राह्मण का, एक पढ़े लिखे संत का, और तू अपमान कर रही है। हाँ ऐसे पंडित निर्णय देखे हमने गलियों में फिरते। गलियों में फिरते? हाँ। ये ध्यान रखियो कि मुझसे उलझना तुझे भारी पड़ जाएगा। ए, क्या उलझना भारी पड़ जाएगा? अपने आप को ना देख रहे हो, उल्टा सुल्टा बोले जा रहे हो। मैं उल्टा सुल्टा बोल रहा हूँ? बोल रहे जैसा देखूंगा वैसे तो बोलूंगा। क्या देखोगे तुम, क्या बोलोगे? हम चाहे जैसे भी दिखे तुम्हें, अपनी आंखों में फोड़ लो। तू कुछ नहीं चाह रही, तू अपना सर्वनाश चाह रही है मेरे हाथों से। जाओ तुम जैसे निर्णय देखे हमने सर्वनाश करने वाले। बता दूंगा तो मैं तुझे, ऐसा रायता फैलाऊंगा, ऐसा भसम, ऐसा मंत्र मारूंगा कि तेरा जीना हराम हो जाएगा। अच्छा हमारा रायता ही देख ले, फैला सको तो फैला लेना। जाओ तो ध्यान रखियो। हाँ जाओ, क्या हल करूंगा। अरे जाओ, तुम जैसे पंडित रोज फिरते हैं हमारे यहाँ। बड़ी दुष्ट दुष्ट औरत है ये। मेरा भी नाम श्यामू पंडित नहीं, अगर इसके दरवाजे पर दो नींबू काट के और भेटना चढ़ाई मैंने, इसका जीना हराम कर दूंगा मैं। हाय पता नहीं कैसा पंडित है ये, पंडित लोग तो अच्छा करते हैं, ये तो संत सा बना फिर रहा है टीका बिंदा से लगा के, लेकिन करता बुरा है। देखूंगी इसे भी, इसको भी देखूंगी क्या करेगा। आया लड़ाई करवाने वाला कैसा पंडित। अरे ताऊ राम राम। राम राम बेटी, कैसे आ रही है? कागे धोई आ रही है। अरे ताऊ क्या बताऊं मैं तुम्हें, अरे वो पंडित है ना श्यामू पंडित। श्यामू पंडित? हाँ। अरे मैंने तो राम राम कर ली, कुछ गलत किया ताऊ मैंने? बिल्कुल कोई गलत नहीं। अरे वो तो इतना बोल रहा कि तू ऐसे घूमती है, काम नहीं करती, ये नहीं करती, वो नहीं करती। ताऊ उसे क्या मतलब, हमारे घर से क्या लेना देना? ताऊ मैं काम नहीं करती। अरे क्यों नहीं करती बेटी, अभी भी पानी भरने जा रही है। ताऊ एक बात बताओ, वो पंडित तो पागल है, उसमें कुछ काम धंधा तो होता नहीं है। दूसरा नंबर, और पूरे सालों में एक आध शादी आ पाती है उस पे। हाँ। मंत्र शुद्ध जानता नहीं है, पागल खामे खा पब्लिक को चूतिया बनाए फिर रहा है। अच्छा वो उसमें कोई काम नहीं बेटी, उसके मुंह में लगा कर तू, वो तो ढंटोली बाज है। अच्छा वो तो ताऊ ये कह रहा मैं सर्वनाश कर दूंगा, तुम्हारा ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, उल्टा सुल्टा और बोल रहा था। अरे ना 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 बेटी, इन बातों ध्यान मन दो। सर्वनाश सर्वनाश वो जैसे पंडित करने लग गए तो जाने वो क्या कर देगा दुनिया को। सही कह रहे हो ताऊ जी, बेटी इसलिए दिमाग से काम लो, कोई भी किसी बात पर ध्यान मन दो, और घर परिवार में सब ठीक ठाक है ना? हाँ ताऊ जी सब बढ़िया है। बढ़िया, आपका आशीर्वाद। आशीर्वाद संपूर्ण है, और कोई बात हो तो बताना बेटी। ठीक है ताऊ, राम राम। राम 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 राम। एक बात बता, ठीक है दादूगा, ये बता तू यहाँ पे लठ को लेके घूम रहा है, और बेचारी ताऊ खेत में आ रहा हूँ। अबे तू लठ लेके घूम रहा है, ठीक है दादूगा, तेरी बहू से लड़ाई हो रही है बेचारी। लड़ाई हो रही है? हाँ। कौन थे? वो जो श्यामू पंडित है गाँव का। हाँ, उसने तेरी बहू से पटा, तेरी जो बीवी है उसने उससे राम राम की होगी बेचारी। अब उसने कहा उसको पता नहीं क्या भोग सुना दिए, भस्म कर दूंगा कि ये कर दूंगा कि फलाना कि ढिमका। अच्छा चलो वो पंडित ये देखो। अरे तू साले ज्यादा बिगड़ रहा है, मैं बता रहा हूँ तुझे, इस गांव में रहना है तो ढंग से रहो। ताऊ हम गांव में रह ना रहे हैं, लेकिन पंडित ना रहने दूंगा, बाकी हिम्मत कैसे पड़ेगी ऐसे कहवे की। अरे तो बेटे मैं समझा दूंगा, वो मेरे आके। तुम ना समझाओगे, मैं समझाऊंगा, लट्ठे से वो पंडित है। अरे मैं समझाऊंगा, मैं समझाऊंगा, मैं जाकर देखूंगा। माने वाला नहीं, मुझे मालूम है तू कोई नया कौतिक पालेगा। देखू
अरे दामनी, अरे कौनिया। हाँ आ गए तुम। हाँ आए गए जब। हाँ, चलो वो पंडित कौन? अरे वो श्यामू पंडित। अरे मैं निकल के जा रही पानी लेने के लिए। ए, उल्टा सुल्टा बोल रहा कि भसम कर दूंगा कि ये तो कर दूंगा। भाई की गैल मेरी पानी ला दे। मैं तो जा रही थी निकल के। हाँ और क्या, वो रास्ते मिल गया मैंने राम राम कर ली, कुछ बुरा किया मैंने तो? और कछु कह रहा हूँ। अरे वो ये कह रहा भसम कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। तो भसम कर देगा वो? हाँ चल लाज भैया, भसम करूंगा। वो कहता है मुझे बता। वो इधर कोई गया? इधर गए हो? हाँ तू चल लिए, मैं जाऊँ अकेला? तुम भी अकेले चले जाओ, मैं खाना बना लूँ। देखू आज तू खाना बनाया अब तक चल। पंडित जी नमस्ते। खुश रहो बेटिया। और बेटे बढ़िया? हाँ बढ़िया एकदम। अच्छा लल्ली एक बात बता। हुँ? खाती तो तू खूब है, वैसे भी पता है मुझे ये बात, पर एक बात बता, कब तक अपने घर पे खाएगी? अपनी ससुराल जो नहीं जाती, कब तक इनकी छाती पर खाती रहेगी? इस बात से तुम्हें क्या मतलब? तुम्हारे घर का खा रही हूँ? नहीं नहीं बेटिया, मैं घर में रह रही हूँ। नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारी जगह में रह रही हूँ। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि तू अपने घर चली जाएगी तो इनकी भी छाती पे से बोझ कम होगा। किसकी छाती पे से? तेरे माँ बाप की। जब मेरे माँ बाप को कोई दिक्कत नहीं है मुझे रखने में, तो तुम्हारे करेजे पे क्यों छुरी चल रही है? बेटा बेटी अपने घर ही अच्छी लगती है। अच्छा हाँ? तो ये अब तुम सिखाओगे? पंडिताई छोड़ के दूसरों के घरों में ताका झांकी कौन कहाँ रह रहा, कौन क्या कर रहा है? ताका झांकी नहीं कर रहा था मैं, तो ये कह रहा था कि तू इतना बन ठन के यहाँ घूमती है, इससे बढ़िया है कि अपने घर पे रहेगी तो अच्छी भी लगेगी, वहाँ बनने की ठनेगी तो। अरे तो क्या मैं यहाँ बंटन में शादी शुदा हूँ वैसे भी? मुझे ना आती शरम, आप बताओ क्या करोगे? अच्छा एक बात और बता, ये तू बंटन के साड़ी पहन के, नई हार पहन के, गले में कानों में टॉक्स पहन के, और तू इन यहाँ इस गली को क्यों नापती घूमती है पूरे दिन? तुम ये बिंदा लगा, इससे बढ़िया तू इन कपड़ों को पहन के अपनी ससुराल चली जा, कम से कम वहाँ पे लोग देख के खुश तो होंगे कि घर का काम कर। और तुझ पर काम तो होता नहीं होगा क्योंकि भजन इतना बड़ा लिया तूने अपना यहाँ खा खा के। एक बात पूछूं? हाँ? तुम ये इतना बड़ा बिंदा लगा के भगवान की पूजा तो खैर करते नहीं होंगे, भगवान के नाम पर कमाना खाना तुम लोगों का बेटा ये हमारा धर्म बन गया है। बेटा ये हमारे कर्म में और धर्म में लिखा हुआ है कि भगवान के नाम पे हम कमाएं, तो ये भी मेरे कर्म में धर्म में है कि मैं अपना सब धज के यहाँ घूमूंगी। बेटा ये कर्म धर्म नहीं है, ये तो घर बिगाड़ने वाली बात है। किसका घर बिगाड़? अपना। तूने खुद का अपना घर बिगाड़ लिया, उसकी तो जिंदगी खराब की जिससे शादी की, और अपने अब अपने घर पे पड़ी पड़ी अपने माँ बाप की जिंदगी खराब कर रही है। गांव में कोई भी बात हो जाती है ना सबसे पहले मुझे ही बुलाते हैं। फालतू आदमी को ही बुलाया जाता है बेटा इन कामों के लिए। पंडित यहाँ से निकल जाए वरना तेरे कान के नीचे लगा दूंगी मैं। निकल यहाँ से। अब कितनी अभद्र व्यवहार कर रही है, यूं तो नहीं है कि अपनी गलती माने पंडित? क्यों मानूं मैं? क्यों मानूं अपनी गलती? मैंने गलती की नहीं है तो क्यों मानूं? गलती कर रही है, अपना घर छोड़ के तू यहाँ पड़ी है। तुझ पे कोई काम नहीं आ रहा, अपनी कथा वगैरह में थोड़ा टाइम व्यतीत करेगा तो तुझे पैसे भी मिलेंगे, या दूसरों का रास्ता रोकने चला आता। जिस दिन से मैंने तू देखा है, जिस दिन से तूने ये कथा करना स्टार्ट किया है ना, तो तुझे कोई शादी में बुलाता ब्याह पढ़वाने के लिए, ना तुझसे कोई कथा करवाता, ना तुझसे कोई हवन करवाता। एक शादी करवाई मैंने, एक ना तुझसे एक शादी करवाई इस गांव में तेरी। जिस दिन से तू घर आई है लोगों को वैसे मेरे प्रति विश्वास उठ गया, क्योंकि तेरे लक्षण ही खराब थे, तू उस घर में रहने लायक ही नहीं थी। ऐसा है अब यहाँ से निकल जा ही रहा हूँ मैं तो, तूने रोका था मुझे तो साला पंडित। राम राम भैया, ये मेरी आँख फोड़ोगे? कैसे आँख मिस्सी हो जा रही हो? अरे कैसे क्या, वो अभी जो पंडित गया ना बदतमीज, वो अरे वो पंडित यहाँ से गया अभी। अरे हाँ पंडित। हाँ वो ही। हाँ तो मैं देखूंगा, कहा बात ही बताओ। क्यों तुमसे भी कुछ कह दिया? अरे हमारी बहुते जन का उठपटांग बोल वो। वो हाँ। वो गांव की औरतों से ही उलझता है, आदमी से किसी से नहीं उलझेगा। मैं उलझूंगा बात कैसे उलझूंगा? भैया एक बात बताओ, मैं अपने मायके में रह रही हूँ, तो फिर एक बात बताओ उसमें क्या लॉस पड़ रहा है? अजय बात पूछूंगा मैं तो पे का लॉस पड़ रहा मुझे बता। शादी करवाई तो थी, एक शादी करवाई थी, जिस दिन से तेरी शादी करवाई है तो उस दिन से तू अपने ससुराल नहीं गई, मायके में रह रही है। अब ये बताओ उसे क्या मतलब मैं कहीं भी रहूं? उसकी परेशानी में पूछने जा रहा हूं तुम्हारी और अपनी बहू की। वो ज्यादा लोगों से भिड़ रहो, वो आज मैं भिड़ू बातें देखूंगा पंडित। ठीक है जाओ। अरे पंडित जी, अरे रामू पंडित जी। अरे कौन है भाई? पंडित जी राम राम। खुश रहो बेटा, खुश रहो, पैरों में आ करो, पैरों में नाम नाम दिया करो हमारे। पैरों में? गांव के पंडित हैं हम। अच्छा अच्छा, गांव के पंडित हो तुम? हाँ। चाहे एक काम कर मानो पंडित। बताओ।
अरे हाथ पाथ देख लेते हो तुम? मैं हाथ भी देख लेता हूँ, मुंह देख लेता हूँ, हस्त रेखा मस्त रेखा सब देखता हूँ। लेडीज की देखो जेंट्स की? सबकी। हमें लेडीज की देखवानी है। देख लेंगे। दक्षिणा पानी तो बेटा पहले लगेगी, पहले 501 रुपए आप मेरे हाथ में रखेंगे, उसके बाद मैं आपके हाथ अपने हाथ में रखूंगा जब देखूंगा आपकी हस्तरेखा। मेरी ना देखनी तो हमारी बहू के हाथ देखने। तो क्या हो गया तुम्हारी बहू को? अब जब तुम बताओ क्या हो गया। तो कुछ कह भी तो रही होगी, कुछ कह सकते। जब तुम 500 रुपए ले रहे हो तो क्या बात कर ले रहे हो तुम बताओ। हाँ तो मैं देख लूंगा, अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो फिर काय को तो मैं देख लूंगा। चलो आराम कर दे दूँ 500 रुपया। नहीं पहले देख लेना। हाँ देखो तो पहले मैं परेशानी तुम्हें बता दूँ। नहीं चलो तुम्हें आराम कर दिख रहे हैं। चलो चलो चल रहे। चलो बेटा चलो चलो चलो। कैसे आप ही मार रहे हो? हाँ भी मार रहा हूँ। कोसों दूर ले आया तू? कोसों दूर ना जो दिख रहो ना टावर। हाँ टावर के नीचे का मकान है। चल तो चल भैया। हाँ चल लोगे ना? अरे चल रहा हूँ फिर भी कर लूंगे। अरे चले आया तो आओ। अरे कामनी बड़ी तैयार बैठी है। मैं तो तुम्हारे इंतजार कर रही थी खाने के लिए। खाना ठंडा हो जाए जल्दी। पहले आओ खाना खवा दे। किनको खाना खवा दे? पंडित बुला लाऊं मैं। यहाँ क्यों बुला लाए? अरे यार देखूंगा तो सही। तो कहीं कैसे यार। अरे सुनो तो सही मेरी बात सुनो एक। चलो चलते वही कर ले रहे हैं। अच्छा पंडित जी। हाँ अच्छा टाइम टाप है बेटे। तू तो मुझे दिना दिखवाने लेके आया था। अब दिना देखोगे? अब देखोगे दिना। मुझे धोखाधड़ी से लाया है। 500 रुपए ले ले दक्षिणा के। 500 रुपए नहीं ले ले तू धोखाधड़ी से लाया। ये अच्छा ले ये बता मेरी बहू तो कहाँ गई? मैंने कब कही इससे कुछ? हाँ यू कह रहे सस्ती फिर दो सच धज के रोड पे डोलो। तुम काम धंधा ना करती हो बेटा। कैसी बातें कर रहा है पंडित? तो ऐसे कोके बात है ना ना। मैं तो इसलिए ऐसे तू बातें बातें सोनिया से कह रही। ना ना मेरा किसी सोनिया दीदी से भी कह रहे। बहुत बदतमीज हो रहे हो पंडित जी। ना ना बेटे हद पार कर रहे हो तुम। बेटा मैंने कुछ नहीं किया। जा काम में रहना है ना तो ढंग से रहना। ढंग से सॉरी मैं आग लगा दूंगा। ये कौन सा तरीका है बेटा तुम पंडित के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हो? मुझे कहा किताब कॉपी कुछ कही भी नहीं। कहने की जरूरत कहा है तुम्हें? कुछ भी करे वो बेटा ऐसा था ये पानी लेने जा रही। अरे मैं तो ना करूँ वो गोबर डाल में जा रही। इसने राम राम की मैंने राम राम की। ये ऐसे ही मुझसे फालतू में मुझसे ही कहने लग गई कि तुम गली में डोलते रहते हो तुम्हें कोई काम नहीं। तो बेटा पहले इन्होंने कहा था कि बेटा झूठ मत बोल। कब बोला करो पंडित जी झूठ मत बोल। तो गलती करके माफी तो मांग नहीं रही हो फगवास कर रहे हो। जवान और लड़ा रहे हैं यहाँ। ये डंडा दिखाई दे रहा है लग रहा है। दिख रहा ना ये? दिख रहा अभी। उठा के दिखाओ। दिख रहा बेटा दिख रहा। तुम्हारा काम यही है। काम मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। आज के बाद मैं कुछ नहीं कहूँगा। क्या बताइए तुम्हारा? ना कहूँगा। अब जाऊँ मैं? अब आके खोल के देख लो इनकी पत्नी हूँ मैं। हाँ ठीक है। दोबारा नजर मत डाल देना वरना तुम्हारी आंखों की गोटियां निकाल के खेलूंगी। मरे को खाया जिंदे को खाया सारे एक ऊना छोड़ूंगा। हाँ इनका तो काम ही वही हाथ फेरा माल में आंखों की गोटियां निकाल के कंचे खेलूंगी। मेरी बेइज्जती श्यामू पंडित की बेइज्जती। मुझे नहीं पता था ये औरत इतनी खराब निकलेगी। बेटा तूने मुझसे पंगा लिया है और देख सुन तेरा जीना हराम नहीं करवा दिया ना इस घर में। जब इस गांव में जब तक 8-10 चांदना फटवा दूं ना जब तक मैं दम नहीं भरूंगा। और देख तेरे घर पे आज ही नींबू कटवा के ना डलवा दूं। पंडित जी राम राम। राम राम बिटिया राम राम। पंडित क्या क्या हुआ पंडित जी? कुछ नहीं बेटा मेरा कुछ नहीं। तू बता तू कैसे तूने कैसे परेशान दिख रहे हो बहुत ज्यादा। मैं परेशान नहीं मैं तो सही हूँ। तू बता तेरे पे क्या परेशानी? अरे मेरे घर में तो आजकल कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। सब परेशान है सब बीमार पड़े हुए हैं बच्चे पति सब बीमार हैं। राम 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 राम। कोई उपाय हो तो बता दो मेरे लिए आप। उपाय क्या है बेटा तू घर पे लेके चल मुझे जब बताऊंगा तेरे उपाय। चलिए 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 आ जाइए पंडित जी। हाँ बैठिए। हाँ बता बेटिया अब बता क्या बात है। घर में ऐसी परेशानियां चल रही हैं। अच्छा कोई काम करे तो उसमें बरकत नहीं होती है। अच्छा अच्छा। हाँ अच्छा अपने पति का नाम बता। मेरे पति का नाम सोनू। सोनू और बच्चों के क्या नाम है? बच्चों के नाम कोमल गुंजन सगुन। अच्छा कोमल गुंजन सगुन। बेटा तेरे घर में तो करा हुआ है? किसका करा हुआ है पंडित जी? तेरे घर में कोई काला साया छोड़ा हुआ है किसी ने? मेरे घर में कौन काला और देख सुन तू जीवन में नहीं पनप पाएगी। अरे नहीं नहीं पंडित जी मैं तो ऐसी बातों का विश्वास ही नहीं करती। विश्वास करे मत करे पर तेरे घर में करा हुआ है तो ठीक है। बताओ तो सही आप तो पंडित हो। तेरे पति का काम नहीं चलता?
हाँ बिल्कुल नहीं करते वो। तेरा पति बीमार रहता है? हाँ रहते हैं। बच्चे बीमार रहते हैं? हाँ बीमार। बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता? बिल्कुल मन। खाने पीने में मन नहीं लगता? खाते पीते नहीं होंगे बच्चे? मांगते हाँ, भी नहीं होंगे? जो अपने हाथ से दे देती होगी उसे खा लेते होंगे? हाँ सारा दिन सोते रहते हैं। सोते ही रहते हैं क्योंकि हाँ। उनके ऊपर करा हुआ है, उनकी बुद्धि भ्रष्ट चल रही है सबकी इस समय। तो बताओ तो सही इसका उपाय क्या होगा? उपाय बस बिटिया एक ये है कि तेरे घर पे यही आसपास से किसी ने किया है। मेरे घर पे कौन करेगा आसपास से? तेरा कोई होगा जलने वाला? हाँ ऐसे तो मेरे इस गाँव में बहुत सारे जलने वाले हैं। तो ऐसा कर फिर, दो नींबू ले, मैं तुझे बता रहा हूँ, मंगल वाले दिन दो नींबू लेके और उन पे चक्कू मार के और सिंदूर ऊपर से लगा के और सामने वाले के घर में फेंक दे। नहीं नहीं पंडित जी, वो मुझसे लड़ेगी बहुत। अरे कुछ नहीं होगा, अब किया उसने ही किया तो उसी को भुगतना भी तो पड़ेगा। ठीक कह रहे हो, मैं ऐसा ही करूंगी। हाँ तू ऐसा कर, दो नींबू ले, उन पे चक्कू मार और उस पे सिंदूर लगा के सामने वाले के घर में फेंक दे। तेरे जीवन सफल हो जाएगा। जा कब रखने? मंगल वाले दिन। मंगल वाले दिन आज हो गया, शनिवार, परसों परसों भिगवा दे। ठीक है मैं रख दूंगी। ठीक है बिटिया, मैं चलता हूँ फिर। है अपनी दक्षिणा तो बताइए पंडित जी। बिटिया तुझसे क्या दक्षिणा लूँ, तू इस गांव की है, तू दुखियारी है, परेशान है, मैं तुझसे दक्षिणा लूंगा नरक में जाऊंगा? तू ऐसा है पहले ये काम कर ले, अगर तेरा काम सफल हो जाए और तू खूब फर फूल जाए तो जो तू देना चाहे वो दे जाइयो। ठीक है ठीक है बिटिया, खूब आशीर्वाद। मेरा भी नाम श्यामू पंडित नहीं, इसके घर में अगर मैंने रार ना फैलवाई मुझसे होशियारी श्यामू पंडित की बेइज्जती थी, वो भी भरे समाज में। देख नींबू फिकवाता हूँ और देख फिर तेरा कैसे पटपरा होगा, और देख चांद पे चांद ना फटे तो मेरा नाम भी श्यामू नहीं। अरे ताऊ जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बेटी नमस्ते। अरे रामपाली बहू है का? हाँ। अच्छा अच्छा, कहाँ जा रही बेटी? इधर ही जा रही थी, ऐसे काम से जा रही थी। मैं चले जा रही हाथ में कुछ भी नहीं है, ये तो वैसे घर का सामान है। कुछ घर का सामान है? हाँ। अच्छा घर का सामान है ये? हाँ। तो घर पहुँचो, अब यहाँ कैसे घूम रही हो ये? अरे ऐसे ही मैं कुछ परेशानी में थी इसीलिए। हाँ घर जाओ। हाँ घर जाओ। ताऊ जी नमस्ते। नमस्ते बेटी, खुश रहो। अरे रामपाली बहू है क्या? हाँ। अच्छा अच्छा, ये कहाँ ले जा रही बेटी? कुछ भी नहीं, ऐसे घर का सामान लेके जा रही हूँ। घर का सामान लेके जा रही हूँ? नहीं कुछ तो है शायद इसमें। कुछ भी नहीं है, सब्जी वगैरह है ऐसे ही। सब्जी वगैरह है? हाँ। अच्छा अच्छा, और घर में सब ठीक है? अरे कुछ भी नहीं ठीक है, ऐसी सब परेशान है, बीमार है मेरे बच्चे और पति। बच्चों और पति को क्या हो गया? ऐसी तबीयत खराब रहती है और घर में कुछ भी नहीं है आजकल। अच्छा अच्छा। हाँ। नहीं बेटा देखो, उन्हें दवाई ववाई डलवाओ, बच्चों को देखो ठीक ठाक रखो, पढ़ने में जा रहे हैं बच्चे? नहीं जा रहे हैं पढ़ने? कहाँ जाते, तबीयत खराब है तो कहाँ से जाएंगे वो पढ़ने के लिए? तो अब जब ठीक नहीं करवाओगे, दवाई नहीं दिलवाओगे तो क्या हो जाएगा? अरे तीन तीन डॉक्टर बदल गए ताऊ जी, मैं क्या करूँ, मेरा तो दिमाग चकरा जाता है। ये बात है? हाँ। नहीं 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 बेटी देखो, ऐसा है हमारा कहना यही है कि अपने देखो बच्चे और उनको ख्याल रखो, देखो दवाई दिलवाओ उन्हें, और दवाई दिलवाने के बाद में अपने उन्हें पढ़ने भेजो बच्चों को। ठीक है? ठीक है। और कोई कम परेशानी तो नहीं है? कोई ऐसी परेशानी हो तो हमें बताओ, बता दूंगी जब होगी तब परेशानी। हाँ और ऐसे मत घुमा करो, ये घर जाया करो सीधे। नहीं मैं सीधे काम पे जा रही थी। हाँ काम पे? हाँ। घर? हाँ घर ही जा रही थी, ऐसे कुछ काम है मेरे लिए रस्ते में। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जाओ जाओ जाओ, फालतू मत घूमो यहाँ पे। इसके घर पे फेंक देती हूँ, इसी का घर नजदीक है, अब चली जाती हूँ, दिखाई भी दे दे रहा है मुझे। अरे क्या बात होगी, कैसे चिल्ला रहे हो? डार को नींबू। नींबू? हाँ, और वो भी टीका लगा के, वो भी लाल कपड़े में। कौन डाल रहे हैं? क्या है ये? ये नींबू है, खा लो, नींबू काट के डाल रहे हैं यहाँ पे। ये टोटका है? ये टोटका कर कौन लगाओ जे? हो ना हो, कतई ये पड़ोसी के काम है। ये जो सामने रह रहे है ना। कौन सी? अरे ये लंबे से मुंह की जो है। आहा। ये नहीं कर आई हो? नहीं करो जे? हाँ, ऐसा ही लग रहा है। अरे ये सी का घर सामने, और क्या कोई दूसरे मोहल्ले से आएगी डालने? घर में बकरा काट के डाले आऊंगा अगर माना करो तो। अरे बकरा कहाँ से लाओगे तुम, तो ज्यादा ऊंची बात कर रहे हो। देखूंगा। हाँ चलो उसे ही देखे। देखो तुम इसे यार। हाँ यही है। कहाँ नाम है? बीरवती। बीरवती कहाँ गई? क्या हुआ? कैसे चढ़े जा रहे हो? क्या हुआ? ये बताओ
तुम हमारे घर में क्या काट के डाल गए? मैं तो कुछ भी नहीं डाल के, मैं क्यों डालूंगी तेरे घर में? अच्छा, मेरे घर में तुमने ना टोटका करा? मैंने नहीं किया, तेरी कसम। अच्छा, वो लाल वाला जो रूमाल है अपने बच्चों की नाक ना पोंछती है उससे? अरे मेरे पास लाल रूमाल पूरे गाँव की औरतों पे, मेरे पास लाल रूमाल है। दूसरे गाँव की औरत दूसरे गाँव में आएंगी डालने? अरे तेरे घर में टोटका, तेरी कसम। अच्छा, मेरी कसम खा रही है? अपने बच्चों की कसम खा? अरे बच्चों की कसम, बच्चों की कसम खा रही है तू? अरे शर्म नहीं आ रही होगी? और दूसरी बात कर, तुझे शर्म नहीं आ रही है? सुन सुन सुन, अब बोल ले तू, समझ में आई नहीं तुम बोल ले? जा बंद ना करो, अब झगड़ा ना करे, होश में रह लो, होश में अपने हाथ पैर मत चले, दांतों को अंदर कर दूंगी तेरे दांतों को। सुनिए, तुम्हारा राम राम कैसे धुंध काटे फिर रहे हो? ताऊ जी बताओ, मैं सवेरे जा रहा हूं लेकर के घर। हमारे घर में दरवाजे पे देख के आओ, लाल कपड़े में बांध के रुमाल में, तो लाल रुमाल में नींबू काट के डाला। हाँ, और टीका लग रहा है उस पर, टोटका लग जाएगी। नहीं डाली, ये झूठ बोल रही है। और मेरी कसम और बच्चों की कसम खा रही है, झूठी कलमूरी। खुद तो लड़ने आई है, साथ में अपने पति को भी लाई है लड़ने। मेरा पति नहीं देगा, पति नहीं देगा कलमूरी। बालक ना सही रहे में ना। अरे एक बात बताओ, तुम्हारे पास ऐसा क्या प्रूफ है कि हाँ जी उसने नींबू काट के डाले? आओ मेरे आंगन में चलो, इसी के घर का रुमाल है, और तुम भी ना पहचान लो तो मेरा भी नाम काम नहीं है। तुम चलो अभी, अभी चलो ताऊ। अच्छा मैं भी देख के आऊँ, तीनों को जो भी करना हो कर लो। बात कर रही है, बात किस तरह कर रही है? बोलने की तमीज नहीं है, किसी का तमीज नहीं है। इसको लेके चलो ताऊ। हाँ तो चलो, हम चल रहे हैं, न्याय करेंगे। चलो न्याय करेंगे इसका। आज ही कहाँ रह गए? आगे चलो, चलो ताऊ देखो है ताऊ। ये देखो ताऊ, नींबू ये टोटका ही है ना? नहीं, ये गलत बात है ताऊ, ये मेरा रूमाल नहीं है। और किसका है? रूमाल है कि दुनिया में हजारों रूमाल होंगे। अरे तो तू छुपा रही थी जो मुझे देख के, वही रूमाल है ये? हाँ, मेरा नहीं है, है? अच्छा ताऊ, मैं गिर गया था इसीलिए मैं छुपा रही थी रुमाल को। अच्छा ठीक है, चलिए एक बात बताई, तेरा नहीं है? मेरा नहीं है। ताऊ ने तेरे हाथ में देखा और मैंने भी तेरे घर में देखा। अब इसके अलावा ऐसा ही सेम रुमाल तू अपने घर में दिखा दे मुझे। अरे मेरे पास तो ऐसा एक ही रुमाल है, मैं क्यों दिखाऊंगी? तो एक ही है, वो भी यहाँ पर आ देख लेता हूँ। और किसी के पास भी तो होगा ऐसा रुमाल? तमीज में बात कर ले, मुझे ढक्के ज्यादा मत मारा कर, देख लो। अब मैं इसका न्याय कर रहा हूँ, सुन ले पप्पू, सुन मेरी बात। ऐसा है, अब जो हुआ सो हुआ, न्याय करो, जाने टोटका करो तो करो। चो बेटा, अब इससे न्याय भी तो नहीं हो पा रहा है। अब ये दोनों गुथ मर रही हैं। अब एक बात बताओ कि अब इससे न्याय कहाँ हो जाएगा? ऐसे छोड़ूंगी नहीं, इनने मेरे साथ में बुरा करा। मुझे मालूम है बेटी, टीका लग रहे हैं सिंदूर के। अरे मैंने कुछ भी बुरा नहीं किया, दोनों मियां बीवी झूठ बोल रहे हैं ये। झूठा और बना, सुनो, अब हुआ सो हुआ, आए अंदर कोई तोप को अंदर कर ले, तोप मारेगी मुझे में। अरे तो ललित तू जा, मुझे मालूम है तू बहुत ढूंढने आई है भैया, और ये काबे पटवा अब लड़ने के लिए तैयार रहती है। ए चाय बेटी, अब जो हुआ सो हुआ, आए अंदर कोई गांव में ऐसी ये अभद्रता पूर्ण बात सुन ना लूं मैं। ठीक है ताऊ। हां ताऊ, मैं नहीं उठाऊंगी ताऊ, बिल्कुल भी नहीं उठाऊंगी मैं। अरे तो ये बात तो तेरे ऊपर हो रही है, तो उठाएगी तो तू ही। कुछ भी सही, मैं नहीं उठाऊंगी से। मतलब तू उठाएगी नहीं? नहीं उठाऊंगी मैं। उठाएगी नहीं? मैं नहीं उठाऊंगी। उठाओ उठाओ, मैं नहीं उठाऊंगी ताऊ, मैं बिल्कुल भी नहीं उठाऊंगी से। ताऊ तुम्हारा कोई रोए वार है ना, तुम उठा लो। बताऊं तो जा, तू उठा ले। मैं कहा उठा लूं? ए ताऊ कैसी बात कर रहे हो, मैं पति बरता आ रही हूँ, मैं अपने आदमी पे कैसे उठवा दूंगी? हाँ तो भाई ये मुझसे जो कह रहा है, तुम वो आदमी हो, बताऊं तो दिया अभी। चलो हम चल रहे हैं, चलो उठवाओ ताऊ, चाहे तुम उठाओ चाहे जी उठाए। हाँ हो गई ये बात है यार, अब ये उठवाया किसने जाए मेरा? शांत हो जाओ, वहां तक आवाज आ रही है तुम लोगों की। नमस्ते भाभी। नमस्ते दीदी। नमस्ते दीदी, एक बात बताओ, ये रुमाल में दो नींबू काट के इस औरत ने मेरे घर पे डाले, बताओ इसकी अच्छी बात है ये? और ये देखो दीदी, सबूत भी है, ताऊ ताऊ ने ये रुमाल इसके हाथ में देखा रास्ते में। देखा था बेटा। दीदी मुझे आप ये बताओ, दुनिया में एक से रुमाल है? और दीदी अगर नहीं है विश्वास, इसके बच्चों की, इसके आदमी की कसम खिलवाओ। नहीं दीदी, मेरे छोटे छोटे बच्चे, मैं ऐसा क्यों करूंगी टोटका बोटका? दीदी किसी के बात में आगे कर दिया है ने, वैसे ऐसी है ना ये, तो मैं भी जानती हूँ। और फिर मैंने देखा था इसे, वो ऐसा लग रहा पंडित की बातों में आगे दिखा है। हाँ देखो दीदी, अभी तुम्हें सच्चाई बता सकती हूँ, हमें नहीं बताने की, पूछो। सही सही बताओ भाभी, क्या मैटर है ये? सही सही बताओ, ऐसा क्यों करूंगी? तुम्हें कसम है अपने बच्चे और पति की, सच सच बता दो। दूसरे के घर में बुरा सोचने से पहले उनके बालक और पति तो वैसे ही बीमार रहे हैं। हाँ सोच लो, बता दो सच्चाई क्या, मुझे बताओ। दीदी मैं आपको बता देती हूँ, वो पंडित जी कह रहे थे, गाँव के पंडित जी है ना, विद्वान आदमी,
वो कह रहे थे तुम ऐसा कर देना और तुम्हारे घर में सब ठीक हो जाएगा। तो हमारी घर कर मेरे को मिलो जे भैया, एक मिनट शांत हो जाओ। एक मिनट छोड़ रखो, कल तो भैंसिया दूध ना दे रही है टोट का चक्कर में। एक मिनट शांत हो जाओ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम पे बच्चे है, पति है, घर संभाल रही हो, अच्छी खासी उम्र भी है तुम्हारी, क्या तुम उस पंडित के कह रहे पे कल को वो ये कहते घर मकान को बेच के चली जा, तुम चली जाओगी? सही बात। दूध पीती बच्ची तो हो नहीं भाभी। सही बात। मैं क्या करूँ, मैं उसकी बातों में आ गई, वो बोली ऐसे रहा था। तुम जरा ये देखो, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसका कारोबार कितना बड़ा है, कल को कारोबार में कोई भी दिक्कत आती है और तुमने दूसरे के घर में टोटका कर दिया, छोटी बच्ची है उसके पास, तुम्हें ये तो सोचना चाहिए। दीदी मैं ऐसा नहीं कर रही थी, उसने मुझे कहा कि कर दो ऐसा, तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। उसकी बातों में आई, जिसकी बातों में बिल्कुल दो कौड़ी की बिल्कुल वो ही ना हो सच्चाई। खुद की खुद तो वो खुद झूठा है। बोलो कहवे कल्लू कुआं में गिर जा तो गिर जाएंगे। सही कह रही थी कामनी भाभी, किसी के कहने पे किया, किसी के कहने पे कराया। अरे असली जड़ कौन है? असली जड़ है पंडित दीदी। पंडित वो गांव के लोगों को भड़काता है। पंडित का काम करता है, भड़का ली भाभी। शांत हो जाओ तुम। तुमने घर देखा मेरे को? सुचिंता का सबने देखा। मेरी बात सुनो, ऐसा जब पंडित जड़े तो वो पंडित ही उठाएगा इसे। चलो पंडित के घर ही, उस पंडित के घर ही चलो और बुलाओ भी तुम ही। हाँ मैं ही बुलाऊंगी। खड़े रहेंगे तुम ही बुलाओ भी उसे। चलो जाओ बुला के लाओ। चलो पंडित के घर चलो। लड़के पूरा गांव इकट्ठा कर दिया भैया। पंडित जी, पंडित जी। हाँ बेटा। वो एक काम था, आप मेरे साथ बाहर तक चलेंगे? काम? क्या काम? अरे घर की ऐसी परेशानियां हैं, कुछ दिखाना था आज तुम्हें। चल तो चल बिटिया, चलिए 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 चलिए। पंडित राम माम यही थे, वही पंडित जी, उन्होंने कहा था टोटका करने के लिए। भाभी ऐसा है, थोड़ी देर शांत हो जाए। ताऊ जी चुप रहा करो तुम, ने कम बोल। ताऊ जी बड़े बुढ़िया दीदी। पहले तो मुझे ये बताओ, ये पूरी बारात की बारात पंडन मेरे घर पे कैसे आई? बारात आज ये बारात तुम्हारी बारात चढ़ावे आई है। बड़ा स्टार्टिंग करो जरा। सुनो तुम हमारे घर में वो नींबू काट के ना डाल के आए हो, इससे ना डलवाया तुमने? ये कौन है? जानते भी नहीं हो? मैं नहीं जानता इसे। ज्ञान नहीं दिया टोटका करने का? मैं जानता ही नहीं तो ज्ञान देके क्या करूंगा? अरे इसने कहा था मुझे टोटका करने के लिए, झूठ बोल रहा है। सच्चाई चलो ले चलो पहले बिटिया। मैं नहीं, पहले दीदी दीदी को सच्चाई बता दो, पूछन तो दो इससे। मुझे ये बताओ पंडित जी, तुम्हें शर्म आई नहीं आई? नहीं। तुमने सच सच बताना, कसम है अपनी बीवी की, तुमने इस इनके भाभी के घर में तुमने फिगवाए थे? नहीं फिगवाए थे। बीवी की कसम, इसकी बीवी कसम, मुझे नहीं पता ये कौन है। पंडित क्या कर रहा है? मैं कह रही हूँ सच सच बता सुनो। तुम इसको पंचायती को लेके आए हो, ये अपना घर बिगाड़ के तो यहाँ आ गई, ये तुम्हारे साम तुम्हारे काम कैसे करवा देगी? ऐसा है तमीज में बोले, नजर लगती है वो मारे। नजर लगती है तो कब तक इसे इस गांव की छाती पे खाएगी? ये बुरा लग रहा है ऐसा इस पंडित को? मुझे सुनो जूता, मैंने कोई लेकर चल रहा, इससे उठवा बगर बगर करने से कुछ नहीं मिलेगा, इसके साक्षात दर्शन कराओ। चलो 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 ने संभाल गई हो? ये संभाल गया क्या? ऐसा तो वो नहीं है पंडित जी, बात समझो, अपनी पुस्तक उठाओ पहले। एक मिनट शांत हो जाओ, ये तुम्हारा ये ना, उठाओ इसे, उठाओ। क्यों उठाओ इसे? ये तुम उठाओगे? ये वही है जो तुमने फेंकवाया? ये वही चीज है जो इनके हाथों में इनके घर में फेंकवाया तुमने टोटका? तुमने तो ये फेंकवाया था इसमें नींबू। मैं तुझे जानता नहीं, इतना झूठ क्यों बोल रही है? अरे झूठ तो तुम बोल रही हो, इतनी परेशानी है फिर भी इतना झूठ बोले दे रही है? इन दोनों के चक्कर में मेरे घर का चौतरा बांध दिया इनने। एक बात बताओ, तुम दोनों के चक्कर में किसी तीसरे की मतलब उसका घर बर्बाद होने जा रहा है? अब एक काम करो, ये पंडित ऐसे हांगने वाला तो है नहीं। चलो पुलिस स्टेशन, पुलिस में रिपोर्ट करो। पुलिस में चलते हैं, रिपोर्ट करो, रिपोर्ट। पुलिस में आके बट्टे टूट रहे हैं। सुनो तो सर, बता रहा हूं मैं, नहीं करवाया था ये? नहीं करवाया? क्यों करवाया? क्यों करवाया? कुछ नहीं है। एक मिनट है, कुछ एक मिनट बेटी बेटी एक मिनट। पंडित जी तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम ब्राह्मण हो गए, ब्राह्मण पूज्य भगवान के समान होते हमारे, लेकिन तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कथा करते हो लोगों के घर में भगवान की बातें करते हो, मतलब शर्म नहीं आई? कथा करते हो, इन लोगों के घरों को बर्बाद करवा रहे हो। बेटा मुझे माफ कर दो, देखो मेरी बात सुनो। शर्म नहीं आओ ना, मेरे को खाना, जिन लोगों को खाना, मेरी बात सुनो। सही कहा था ये, मुझसे अपशब्द बोली थी लड़की,
और ये मोटी भी अपशब्द बोली थी। तमीज में ननद लगती हो हमारी। ये बहन जी भी अपशब्द बोली थी। खून कर दूंगी पंडित जी तुम्हारा। बहन जी इस गांव की ननद। या मेरे गांव में इतने चाहने वाले हैं। दीदी आओ दीदी। हाँ बेटी। ये बहन जी भी अपशब्द बोली थी और ये भाई साहब भी आए थे घर पे। अच्छा ये परेशान थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना बेफालतू में झूठे को किसी के घर पे तेरे घर पे नींबू भिगवा के तुम दो लोगों में सर फड़वा दी। पंडित जी ऐसे कुछ नहीं है, नींबू में कुछ नहीं है। तू चाहे तो शिकंजी बना के अगर आगे से अगर तूने इस गांव का बुरा चाहा ना तो पंडित भैया ये डंडा इसके मुंह में होगा। किसी और की बातों में आके आज तुम अपने घर का सत्यानाश अपने मैं किसी का भी विश्वास नहीं करूंगी दीदी। सुन अगर किसी में लड़ाई होगी ना कोई बाहर का तुझे मानना आएगा तो सामने मेरा ही घर है, मैं ही तुझे बचाने आएंगे। ठीक है दीदी मैं इसकी बातों में अगर पछता रही हूँ मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। आज के बाद देखो भाभी मेरी बात सुनो, आज के बाद ऐसे किसी के कहने में मत आना। पढ़ने दो चाहे लंडी दो कोई भी हो। दीदी नहीं मिली थी झूठे को जब गलत काम होता तो भाभी निकलती है गाली। बड़े बड़े घड़े ना हमारा इज्जत का ख्याल है। अभी तो उसे कुछ नहीं इतनी सुनाओ काले मुंह का पता नहीं कहाँ से आया चौड़े से क्या ऐसे सफर अगला अगला बना चलो परेशानी का परेशानी मान लो ताऊ से आ जाओ ताऊ चलो चलो बेटी आज साथ में आऊं ताऊ तुम्हारे चाय पिला बेटा।